हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए बड़ी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थैनोस के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का मेन विलेन है, और देन रूसो ब्रदर ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की बैक स्टोरी को कट कर दिया था जानबूझकर, जिससे कि उसकी टाइमिंग ज्यादा ना बढ़े। पर फाइनली रूसो ब्रदर ने एक प्रॉमिस भी करा कि इन फ्यूचर आपको एंड गेम 3 घंटे की करीब देखने को मिलेगी, या उससे ज्यादा की भी हो सकती है। बट आज का अपडेट आप लोगों के लिए काफी खास है, क्योंकि आपको एवेंजर एंड गेम में थैनोस का पॉसिबिलिटी यंग अवतार देखने को मिल सकता है, यानी कि 18 से 19 साल का एक चमकता हुआ लौंडा। जी हाँ, और देन ये यंग अवतार बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, जिसमें कि थैनोस की कोई बॉडी पर्सनालिटी कुछ नहीं होगी, एक छोटा सिंपल सा लड़का होगा। तो शायद ये मिड टाइटन का प्लेनेट हो सकता है, और देन पॉसिबिलिटी थैनोस को तो हमने शुरू से एक कुर्सी पे ही बैठे देखा है, देन उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में फुल गेटअप में देखा है। तो अभी जो यंग अवतार हमें देखने को मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।